के बारे में बताया जाता है कि हनुमान जी की जो भी नीचे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मन्नत पूरी होती है। मंगल और सोमवार को विशेष महत्व। ये लगभग 165 साल पुराना मंदिर है, सिद्धपीठ है और इसके संस्थापक पंडित शिवधनहरी पंडित छोटेलाल जी थे, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की थी। पूर्व में इसमें लगभग यहाँ पर एक अखाड़ा हुआ करता था, एक कुआ था और ये जो मंदिर आप ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये लगभग 150 साल पुराना पेड़ है। साथ में एक कोठरी हुआ करती थी जिसमें पंडित जी रह रहे हैं। ये बुढ़ाना गेट इसलिए यहाँ नाम प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से बुढ़ाने के लिए तांगे और भैंसा बुग्गी चला करती थी, तो राहगीर यहाँ आते थे, रुकते थे, जलपान करते थे पेड़ की छाँव में और फिर उसके बाद में बुग्गी और जो टांगे यहाँ से चला करते थे उसमें बैठ के अपने गंतव्य को जाते थे। एक मान्यता है कि 40 मंगलवार जो भी दीपक जलाता है सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जी, ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ जो भी मनोकामनाएं भक्त लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं प्रभु 40 दिन के भीतर भीतर पूर्ण कर देते हैं। यदि लगातार 40 दिन का दीपक जल जाए उसके बाद में जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त यहाँ चोला चढ़ाते हैं और अपनी यहाँ कृतज्ञता प्रभु के चरणों में व्यक्त करते हैं। हनुमान जयंती को लेकर किस तरह की तैयारी है? हनुमान जन्मोत्सव का मिनिमम जो है हमारा कार्यक्रम 3 दिनों का रहता है या मैक्सिमम अगर मंगल बीच में नहीं आ रहा है तो 5 दिन का हम रखते हैं कार्यक्रम। इस बार क्योंकि मंगल हमारा इसमें कार्यक्रम के बीच में आ गया है तो शुभारंभ हम 4 तारीख को कर रहे हैं। शुभारंभ MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जी और डॉक्टर OP अग्रवाल और साथ में ADM सिटी दिवाकर सिंह जी करेंगे। दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ होता है। आप यहाँ जो पीछे ज्योत देख रहे हैं पीछे या अखंड ज्योत है, लगभग 21 वर्ष से लगातार यहाँ पर मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। हर बार जो है एक ज्योत जो है उसमें बढ़ जाती है और पुरानी ज्योत हटा के नई ज्योत लग जाती है। लगातार अखंड ज्योत 21 साल से जल रही है यहाँ पर और यही देख रहे हैं। ये शीशे का दरवाज़ा है, बेशक मंदिर के मेन गेट बंद हो जाए लेकिन दर्शनों के लिए हमेशा जो है भगवान यहाँ भक्तों के लिए हमेशा दर्शन देते रहते हैं। जी, इसीलिए पीछे जो ग्रिल लगी हुई है उसी उसका कारण यही रहा है कि सिद्ध मंदिर कभी बंद नहीं हुआ करते हैं, उनके दर्शन 24 घंटे लगातार होते हैं। क्या नाम? मेरा नाम अंबुज गुप्ता है। हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं सही मनोकामना पूर्ण होती है, क्या मान्यता? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। ये लगभग 150 साल पुराना ही मंदिर है। मुझे भी 15 साल हो गए मंदिर में आते हुए। मैं डेली मंदिर में आता हूँ, बुलाने वाले खैर भगवान हैं और मैं आज भगवान की कृपा से एक अच्छे बैंक में मैनेजर हूँ और 15 साल हो गए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं जो बाबा की कृपा से ना सफल हुआ हूँ जिसमें, या कोई ऐसा पेपर नहीं बैंक का जिसमें मैं असफलता प्राप्त हुई हो। हर जगह बाबा की कृपा आशीर्वाद रही है, सफलता ही प्राप्त होती है। प्लस जो मेन मान्यता है वो यहाँ की है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है मंदिर में 40 दिन 41 दिन के दीपक जलाता है उसके बाद वो चोला चढ़ाता है तो भगवान उसकी हमेशा झोली भर के भेजते हैं, खाली नहीं भेजते, उसकी मनोकामना पूर्ण ही होती है। ये इस मंदिर की मान्यता है और हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन विशेष मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की। यहाँ आपने देखा होगा पूरे मेरठ से, चंडीगढ़ से, UP से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में दर्शन करने, चोला चढ़ाने और भगवान जी का जब भोग है वो धारण करके फिर जाते हैं।